हेडिंग क्या था एवरीवन? अब बात मत कीजिएगा। इससे पहले जितना भी फार्मूला या थ्योरी डेवलप किया गया है बोर मॉडल में, उसमें हम लोग न्यूक्लियस को रेस्ट माने थे, राइट? और न्यूक्लियस को ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने हुए थे। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट मास मान कर ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अगर न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मानिएगा तो जितना बड़ा फोर्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा उतना ही बड़ा फोर्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर लगाएगा, और अगर फाइनाइट मास है तो उस फोर्स की वजह से उसका भी एक्सेलरेशन रहेगा, एग्री? तो मान लेते हैं कि ये मेरा न्यूक्लियस है और जिसमें चार्ज है जेड इंटू ई। कितना है जेड ई, समझते हैं ना? और ये मेरा कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि फोर्स का बात करेंगे तो फ्रेम शुड बी इनर्शियल। और ये है मेरा पोजिशन वेक्टर ऑफ न्यूक्लियस। बाद में फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये है पोजिशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसका पोजिशन वेक्टर है? दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, इज इट राइट? डायग्राम बनाइए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आर वन टू मतलब आर वन माइनस आर टू, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोर मॉडल ने तीन चार प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम दिए थे, लेकिन चार या पांच प्रॉब्लम दिए थे। उसको ट्राई किए थे आप लोग एच सी बी का, वो बना लीजिएगा। पूरा अभी नहीं बोले हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं कि हाँ इस पर देख लीजिएगा ये प्रॉब्लम, तो उसको देख लेना है सिर्फ। एक क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, इज इट राइट? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां देखेंगे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तक समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस आर डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग यहां से देख रहे हैं इस फ्रेम से, करेक्ट, तो इसे फोर्स तो सिर्फ हम लोग न्यूक्लियस की वजह से ही नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू टोटल फोर्स बाई मास ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू क्या लिखिएगा? फोर्स ऑन न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस का फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन लगाएगा, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट? और यहां देखिए स्टूडेंट, यहां तक बातें आपको समझ में आ गया है?
न्यूटन्स थर्ड लॉ से लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि इसके बदले लिख सकते हैं, सिंपल तो है, करेक्ट। इसके बदले फोर्स ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो ये निकल ऐसा यहाँ भेज देंगे। चलिए अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ न्यूक्लियस का वैल्यू को यहाँ से उठाइए, यहाँ पे पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, करेक्ट। अब जैसे ही बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के का एक्सेलरेशन को भी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, राइट। और रिलेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसका एक्सेलरेशन उसका फाइनाइट मास रहेगा, उसका भी एक्सेलरेशन को हम लोग कंसिडर में ले रहे हैं। तो दिस इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ माइनस देखिए तो एवरीवन सही है, अग्रे इसमें माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो वन बाई एम ई प्लस वन बाई एम एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन टू दिस, करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया रिड्यूस मास का, किसका, ऐसे भी जानते हैं कि दो कैपेसिटर है C1 और C2 और उसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल है सीरीज, सीरीज होता है, इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1+1, और इससे जो सी इक्वलेंट मिलता है वो C1 और C2 में जो छोटा रहता है उसे भी छोटा हो जाता है, राइट। वैसे ही मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दो मास है M1 एंड M2, और इसका अगर इक्वलेंट मास इस फार्मूला से अगर आता है, किससे आता है, अरे कोई ऐसा सर्कमस्टांस बैठ जाए जिसके जिसमें इन दोनों का इक्वलेंट मास ऐसे सेट हो रहा है, यानी कि ऑलवेज ऐसे सेट होगा, बट अगर ऐसे सेट हो रहा है, करेक्ट, तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगा वो वैल्यू M1 M2 में जो छोटा रहेगा उससे भी छोटा रहेगा, है ना, और तब उसको बोलेंगे रिड्यूस मास, क्या बोलेंगे, तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे दिस वन इक्वल टू एक कीजिएगा 1/ME, ऐसे डिवाइड करेंगे ना भाई, इसको आप एक काम कर लीजिए, यहां पे 1/1 टर्म एक स्टेप और लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको आप ए लिख सकते हैं ME+MN और डिवाइड बाय व्हाट, सही है ना, तो FEN इक्वल टू व्हाट, तो नहीं रहता कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे अब हम लोग अगर न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मानेंगे तब वहाँ पे ऐसे अगर न्यूक्लियस का मास को इनफाइनाइट माने थे तो F इक्वल टू आया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V² / R, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन V² / R एक्सेलरेशन हो गया, और यहाँ पे M किसका लेते थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बट अगर न्यूक्लियस के मोशन को भी अकाउंट में लेंगे तब वहाँ पे फोर्स तो वही रहेगा 1/4 Q1 Q2 r², राइट। लेकिन मास सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आएगा या ए मास के बदले आएगा, ए आएगा, राइट। और इस मास को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस का मास, या दोनों सिस्टम का कंबाइंड इफेक्ट। और ए इसी वैल्यू को बोला, ये जो वैल्यू रहेगा वो एक्चुअल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का, उससे भी छोटा वैल्यू रहेगा। उससे बड़ा वैल्यू रहेगा या उससे छोटा वैल्यू रहेगा, और किसी को ट्रस्ट नहीं तो निकाल के यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय म्यू। किसे इंडिकेट करेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, इंक्रीज मास या रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर न्यूक्लियस का मास को इनफाइनाइट मानते तब वहाँ पे एक टर्म आता था इलेक्ट्रॉन, बट अभी ये टर्म क्या रहा है, न्यू। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिवाइड करके देख लीजिए, ये लेस देन वन आ जाएगा। ये आप तो अभी करके देख सकते हैं, मोर देन वन आता है, लेस देन वन आता है, देख चेक करके देख लीजिए। जो यहाँ पर टर्म आ रहा है उसको अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड की जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मास से भी छोटा हो जाएगा। एक बार चेक कीजिए तो होता है या नहीं होता है, क्योंकि इंक्रीज मास बोल रहे हैं या रिड्यूस मास बोल रहे हैं, रिड्यूस मास बोल रहे हैं। क्या लेसन वन आया है, हो गया ना। इसका मतलब है भाई कि देखिए अब दो चीज़ कंपेयर कीजिए, बस मुझे यही प्रूफ करना था। सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v² / r, एक कब था, जब न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट मान रहे थे, करेक्ट। अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू म्यू v² / r, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर यहाँ पे v² / r ही क्यों रहेगा, तो भाई एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू, तो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन तो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमेगा, एक सर्कल में घूमेगा, तो v² / r, करेक्ट। ओनली डिफरेंस दोनों में क्या नजर आ रहा है भाई, अभी भी तो यहाँ पे फोर्स रहेगा q1 q2 का मैग्नीट्यूड बाई 4π√r², फोर्स तो यही रहेगा, यहाँ पे फोर्स डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, q1 q2 / 4π√, सर ओनली डिफरेंस हो गया दोनों में, ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस मास यूज करते हैं, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिड्यूस मास इक्वल टू एक फार्मूला मिला है आपको 1/m + 1/m, करेक्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तो याद रखिएगा, जहाँ पे म्यू को क्या कहलाएगा, इंक्रीज मास या रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। बाकी अब देखिए, तो अगर न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मानते हैं तो यहाँ देखना है, न्यूक्लियस के मास को अगर फाइनाइट मानते हैं तो सारा फार्मूला डिटो सेम रहेगा, बस एक ही डिफरेंस रहेगा, सारे फार्मूला में जहाँ जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ वहाँ एम के बदले क्या रख दीजिएगा, म्यू रख दीजिएगा, करेक्ट है ना। बाकी फार्मूला पे कोई फर्क पड़ेगा, बस सारे फार्मूला पे क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि फिर से मैं आपको डेरिवेशन में लेके जाऊँगा, सारे फार्मूला में जहाँ जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले क्या डाल देना है, रिड्यूस मास डाल देना है, बाकी कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो अगर अगर इसको कंसीडर करते भाई तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, और इसे कंसीडर करते तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, 1/4 pi epsilon का होल स्क्वायर, बोलिए कितना, 2 pi square m to the power 4 h क्यू, क्या था h क्यू से h क्यू, पक्का करेक्ट है। याद रखिए तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसमें एक हम लोग सफिक्स लगाते हैं आर इन्फिनिटी, क्या लगाते हैं, और वो आर इन्फिनिटी क्या इंडिकेट करता है, व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज सपोज टू बी इनफाइनाइट, मतलब न्यूक्लियस रेस्ट में था। और इसके लिए आर फाइनाइट, लेकिन ये तब आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है जब, तो सर पता कैसे चलेगा, वो पता चल जाएगा, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आर फाइनाइट मतलब ए फाइनाइट टर्म किसके लिए यूज कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के मास के लिए, न्यूक्लियस के मास के लिए, तब फार्मूला क्या रहेगा, 1/4 pi epsilon naught 2 pi square, और एम के बदले क्या पुट करेंगे, अब बाकी सब कुछ जिट्टो सेम रहेगा भाई, ठीक है, एच क्यू सी, ठीक है ना। तो बोलिए आर इन्फिनिटी बाई आर फाइनाइट का रेशियो कितना, ये रहेगा ना, करेक्ट, ये वैल्यू पुट कीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या मैं सही लिखा, कितना हो जाएगा, डिवाइड करके बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय, करेक्ट है ना। तो ये कितना, जस्ट उल्टा कर देंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए R बाई आर इन्फिनिटी, R के बाद कुछ नहीं दिया मतलब R फाइनाइट, R बाई आर इन्फिनिटी का कितना रेशियो कितना, देखिए तो आप लोग मुझे पकड़ पाए, मां हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन ना, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज़्यादा, तो मैंने न्यूक्लियस का मास के बाद कितना लिख दिया, 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 1837, करेक्ट है, सही समझ में आ गया। ड्यूटेरियम के लिए कैपिटल मतलब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के लिए ये वैल्यू कितना रहेगा भाई,
आर बाई आर इन्फिनिटी। ड्यूटेरियम का तब 1s2 ना, राइट? कितना हो जाएगा देखिए तो सही है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन रहेगा, एक न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मोटा मोटी मास सेम है, तो दिस ये सही है। कितना हो जाएगा 1836 इंटू टू कितना होता है 3672 डिवाइड बाई 3672 रहेगा ना भाई, दो से मल्टीप्लाई करेंगे ना मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये आएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में इसका रेशियो का ऑर्डर, इसका रेशियो का ऑर्डर 2/3 बड़ा होता है या 3/4 बड़ा होता है या 4/5 बड़ा होता है? कंसेक्यूटिव नंबर है, राइट? तो देखिएगा जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वैल्यू उसका रेशियो बड़ा होता जाता है, है ना? 99/100 0.99 ये कितना वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है? तो सर ये तो हम लोग जानते थे, पर जो जानते थे वही पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में इसका रेशियो तो इसका ये रेशियो ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, राइट? इसका मतलब यहाँ से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे से हेवियर न्यूक्लियस लाइटर या हैवियर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हेवियर न्यूक्लियस में आर फाइनाइट और इनफाइनाइट का रेशियो इंक्रीज होते जाएगा, लाइटर न्यूक्लियस में डिक्रीज होगा। किसका रेशियो? फाइनाइट बाय इनफाइनाइट का, करेक्ट? इसका मतलब है क्या डायरेक्टली यहां पे बोल दें आर बाय आर इन्फिनिटी का वैल्यू इंक्रीजेज एज मास ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, ठीक है ना? बात तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही करेंगे, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, राइट? तो फर्क किसके वजह से आएगा? न्यूक्लियस की वजह से। तो R by R infinity अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2+ के लिए, इन चारों में इसका रेशियो का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? उसके बाद हीलियम प्लस, उसके बाद सबसे कम किसका रहेगा? ठीक है, किसके बीच में रिपल्शन? उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन है कहाँ? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसे सिर्फ क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा। चलिए भाई क्वेश्चन ए आएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए ही ऐसे दे दिया जाएगा, राइट? व्हेन 2 से 1 अगर ट्रांजिशन होता है तो वेव नंबर आर को, वेव नंबर यहाँ पर बोला जाएगा न्यूक्लियस को इनफाइनाइट और न्यूक्लियस को फाइनाइट, ऐसे ऐसे इंडिकेशन रहेगा। एक में ऐसे दिया रहेगा आर एच और एक में दिया रहेगा आर इन्फिनिटी। सिंबल से समझ में आ जाएगा ना, आर इन्फिनिटी का मतलब
आर एच का मतलब है न्यूक्लियस के मास को कंसिडर करना है, फाइनाइट है क्या, इनफाइनाइट, किसका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा। तो भाई आप वन बाई लैमडा को ही तो वेव नंबर बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आएगा नीट वाले बच्चे, ठीक है, आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं था बट इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो म्यू नंबर इक्वल टू व्हाट, आर जेड स्क्वायर वन बाई, जनरलाइज कर लेते हैं ठीक है, वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आर बाई आर इन्फिनिटी का रेशियो कितना था, मोर देन वन था या लेस देन वन था, देखिए तो आर लेस देन व्हाट, आर इन्फिनिटी हाँ या ना, आर लेस देन, इसका मतलब जो नया रेडबर्ग कांस्टेंट बनेगा, जो नया रेडबर्ग कांस्टेंट बनेगा फाइनाइट वाला, वो इनफाइनाइट वाला रेडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू से बड़ा रहेगा या थोड़ा छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, वहाँ से प्रूफ हो गया है, नहीं ये वैल्यू क्या है, मोर देन वन या लेस देन वन, लेस देन वन करेक्ट। तो किसी भी वेव नंबर, तो अब अगर कोई वेव नंबर टू से वन का ट्रांजिशन हुआ, वेव नंबर आर वन बाई लैम्डा को वेव नंबर, आर को फाइनाइट मानते हैं और आर को इनफाइनाइट मानते हैं, तो ऑब्वियसली ए वैल्यू बड़ा रहेगा, ए वैल्यू क्या रहेगा, मैं लैम्डा का नहीं बात कर रहा हूँ, वन बाई लैम्डा का बात कर रहा हूँ, वेव नंबर की बात की राइट। बाकी तो आप कंपेयर कर लीजिएगा ना एवरीवन, जब कंपेयर करना रहेगा तो ठीक है, एक बार फाइनाइट के लिए फाइनाइट वाला आउटपुट करेंगे, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट वाला, अब फिर रेशियो निकाल लेंगे। व्हेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो अब इसका रेशियो तो पता है ना आपको, इसको पकड़ के रखिएगा, शॉर्ट टर्म्स में इसको रख लीजिएगा ठीक है, और वहाँ से पता चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नहीं, तो टेकिंग इनटू अकाउंट द मोशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रॉब्लम टेकिंग इनटू अकाउंट द मोशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, टेकिंग इनटू अकाउंट द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। ये पहला क्वेश्चन हुआ, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ग्राउंड स्टेट। आपको नहीं था कि एक आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट का भाई बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, हाउ मच इन परसेंट, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इन परसेंट डज द बाइंडिंग एनर्जी डिफर, डज द बाइंडिंग एनर्जी डिफर फ्रॉम द मोर एक्यूरेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटीज। How much in percent does the binding energy differ from the more accurate corresponding value of this quantity? एक मिनट रुके भाई, यहाँ देखिएगा more accurate क्या रहेगा, more accurate तो न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में लेना चाहिए आया ना, ये तो हम लोग क्या मान लिए कि न्यूक्लियस का मास को इनफाइनाइट मान लिया राइट, वो तो एक सेट ऑफ एजम्पशन था उसी से काम चलाना है, लेकिन नहीं लगता कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से न्यूक्लियस के मोशन को भी अकाउंट में लेने से, न्यूक्लियस के मोशन को भी अकाउंट लेंगे तो अप्रोक्सीमेट है या ज़्यादा एक्यूरेट है, ये सब कुछ आपने कंसिडर कर लिया तब आप इसको डेराइवेशन ले रहे हैं राइट, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी होता है ना इवन माइनस इन्फिनिटी, इवन माइनस सॉरी ई इन्फिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, ए भले जीरो तो क्या डायरेक्टली लिखते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर
और अगर हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का अगर बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू वन हो जाएगा, कितना 13 पॉइंट, और यही तो मेरा आर सी एच था, बोलिए हाँ या ना। लेकिन ये जो आर सी एच था उसमें आप न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में नहीं लिए थे, मतलब ये कौन सा सी एच है, आर इन्फिनिटी सी एच है, राइट, जहाँ पे न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को क्या माने हैं, इनफाइनाइट मास का, करेक्ट है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मानिएगा, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज सपोज टू बी इनफाइनाइट, बट अगर बाइंडिंग एनर्जी जब न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में लेंगे तो आर इन्फिनिटी पुट करें या आर फाइनाइट पुट करें, आर फाइनाइट पुट करेंगे, ठीक है। करेक्ट है ना। तो सर आर फाइनाइट निकलेगा कैसे, कोई बात नहीं, यहाँ तो निकल जाएगा, हाइड्रोजन के तो यही था ना, आर फाइनाइट इक्वल टू व्हाट, 1836 डिवाइड बाई 1837 इंटू आर इनफाइनाइट, करेक्ट है। या कुछ नहीं तो यहाँ देखिएगा, दिस इसको वन, इसको यहाँ पे फाइनाइट इनफाइन एक क्या कुछ वन मानते हैं, इसको टू मानते हैं, एक सफिक्स दे दिए, तो बाइंडिंग एनर्जी वन और डिवाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इन्फिनिटी वाई, सही है ना एवरीवन। और ए वैल्यू तो पता है 13.6, करेक्ट 13 पॉइंट, तो इस कंडीशन पे क्या बाइंडिंग निकल जाएगा, और ए रेशियो भी पता है कितना, उल्टा करना पड़ेगा ना भाई, 1837 बाई 1836, और ये वैल्यू कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ सकता है, ठीक है, कि नया बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 1837 और डिवाइड बाई 1836, तो नया बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 1836 और डिवाइड बाई 18, तो नया बाइंडिंग एनर्जी पहले वाला बाइंडिंग के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा या थोड़ा कम हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करेक्ट है ना, सही है, क्योंकि ए वैल्यू ऑलमोस्ट 0.9999 के आसपास रहेगा, नहीं, क्योंकि 99/100 ही 0.99 हो जाता है, तो जैसे जैसे वैल्यू नंबर बढ़ा होता रहेगा तो जब रेशियो निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर जाते रहेगा, नहीं। उस वक्त क्या पूछा गया है, हाउ मच परसेंट डिफर, तो हाउ मच परसेंट डिफर का मतलब मोर एक्यूरेट से कितना एक डिफर कर जाएगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जब इनफाइनाइट मास मानते हैं, जब बाइंडिंग एनर्जी फाइनाइट मास मानते हैं और डिवाइड बाय कितना, ये लिखना पड़ेगा ना, इनटू व्हाट 100, ये हो गया परसेंटेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब एक क्या लिखेगा, आर इन्फिनिटी सी एच और माइनस आर सी एच और डिवाइड बाई आर इन्फिनिटी सी एच आई इंटू व्हाट 100, सी एच को कॉमन ले लीजिए, एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना परसेंट से डिफर करेगा, ओ सॉरी सी एच तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, सी एच और सी एच आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक और क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेशन हो जाएगा। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट
फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए मेजोनिक एटम। कौन सा एटम? यहां देखिएगा, हुज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय ए नेगेटिव पायोन। आगे के हायर लेवल पे जाइएगा तो पता चलेगा। एक पार्टिकल का नाम दिया गया है पायोन, ठीक है, कौन सा पार्टिकल लिख लीजिए, दिक्कत क्या है। मास ऑफ पायोन इज 207 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इंटरमीडिएट पार्टिकल बोलते हैं, इसका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बीच में मोटा मोटी होता है। कितना मास? मास ऑफ पायोन कितना टाइम ज़्यादा है? इक्वल टू 207 टाइम्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मिनट स्टूडेंट, अब इतना ही बोलना काफ़ी हो गया, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पायोन को मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या इग्नोर कर सकते हैं? वन को 1836 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं, बट 207 को क्या 1836 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो चाहकर भी यहाँ पे पायोन के रेस्पेक्ट में मास ऑफ प्रोटॉन को इनफाइनाइट मास मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला रहेगा कि क्या मानिए, बट यही बोला रहेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी यही है कि पायोन का मास कितना है 207 टाइम्स। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाकी जो भी निकालना रहेगा उस केस में न्यूक्लियस का मास को इनफाइनाइट मानेंगे या फाइनाइट मानना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस मास लेना पड़ेगा। मास क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूस मास सिस्टम। इसका मतलब आर फाइनाइट वाला लेंगे या इनफाइनाइट वाला? आर फाइनाइट निकालना पड़ेगा, करेक्ट है ना? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन के अंदर ये इसमें थीम मेन थीम ये था, यहाँ पे चाहकर भी न्यूक्लियस को हम लोग इनफाइनाइट नहीं मानेंगे। तो आर जो हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट जानते हैं पहले वाला, उस रेडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू से काम नहीं चलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए।
हेलो स्टूडेंट, ठीक है, देख लेते देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन मैंने दिया है अभी। कितना आंसर आया? चलिए, बाइंडिंग एनर्जी जब इनफाइनाइट मानते थे न्यूक्लियस को, तब क्या था? आरसीएस ना, ग्राउंड स्टेट का, राइट? थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस केस में बाइंडिंग एनर्जी के लिए आर फाइनाइट यूज करेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनाइट बाय बाइंडिंग एनर्जी, यहां देखना है इनफाइनाइट के लिए आर फाइनाइट सी एच बाय आर इनफाइनाइट सी एच, करेक्ट है ना? अब आर फाइनाइट निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब है दिस बाय दिस का रेशियो, दिस वाई और दिस बाई दिस का रेशियो में क्या रहेगा, करेक्ट? और दिस इक्वल टू, यहां देखिए एक मिनट रुकिएगा, क्या मैं सही हूं? सही है ना? यही तो रहेगा रिड्यूस मास, करेक्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट, यही तो सही है। तो 207 इंटू 1836 आर डिवाइडेड बाय 207 प्लस 1836, इसके बाद ये पुट कर दीजिए, 207 इंटू 1836 और डिवाइड बाई 207 प्लस 1836। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी फाइनाइट इक्वल टू, जब इनफाइनाइट माने थे निकोल्स का मास तो पता ही है ग्राउंड का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मतलब 207 इंटू 1836 और डिवाइड बाई 207 प्लस 1836 इंटू वट 13.6 लीटर, कैलकुलेशन आपका रहेगा। बट भाई देखिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन में खुद ही समझना था कि क्या यूज करना है। अभी आपको हिंट दे दिया तो बन गया, अदरवाइज ये कम से कम तो जेई मेन लेवल से ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें खुद ही दिमाग लगाना था ना कि कैसे होगा। अभी तो समझ में आ गया, पूरा दुनिया समझ में आ गया, ठीक है?
आंसर है इसका स्टूडेंट 2.53 इंटू 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर में करना क्या है, इसको वैल्यू निकाल के इसको ये कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू कितना आता है मोटा मोटी 186 आना चाहिए। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, दो ही काम करना है, इसको बस फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा, हो गया ना। कितना सही आंसर आया है 2.5254 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, मोटा मोटी वही है। देखिए नीट वाले बच्चे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तो दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन, तब जब सब पढ़ाते रहेंगे तो साथ साथ बनाते चलिएगा सर से पूछ कर, राइट, यहाँ से भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन समझते हैं ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में इन लोग के लिए बता रहे हैं मेडिकल वालों के लिए, ड्यूअल नेचर ऑफ इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी क्वेश्चन रहेगा और डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी रहेगा, करेक्ट है, और एटम एंड न्यूक्लियस इसमें दोनों आ जाएगा, एक्सरे भी आ जाएगा, हालांकि एक्सरे भी इसमें दिया हुआ लिखा हुआ है 756। पूरा हीट का टॉपिक अभी नहीं बनेगा, वेट कीजिएगा, जब बोलूँगा तो बनाना स्टार्ट कीजिएगा, इसे मिक्स क्वेश्चन रहता है ना क्वेश्चन बैंक में। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप लोग भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन के लिए मैं बोला था कि मैं मेडिकल वालों को पिछले क्लास में बोला था कि थोड़ा सा ऑप्शनल है छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2013 का, हालांकि वहाँ पे CBSE AIPMT लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन लिखेगा, एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, गोइंग फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, फुल स्टॉप। फाइंड आउट नहीं है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, द रिकॉल स्पीड एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन, रिकॉल स्पीड एक्वायर्ड बाई हाइड्रोजन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन, रिकॉल स्पीड एक्वायर्ड बाई हाइड्रोजन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, ऐसा क्वेश्चन क्या पिछले क्लास में किए थे, ग्राउंड लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, फोटोन इमिशन,
मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 24HR/25M, जहाँ पे M इज द मास, जो भी है आप मान लीजिएगा M क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है भाई, 25HR कैपिटल R, 24M, 25M/24HR, और ऑप्शन डी है 24M/25। यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाकी मेडिकल के बच्चे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टेट में था, फिफ्थ में ना, और एटम रेस्ट में था, तो यहाँ इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो। अब एक्चुअल में अगर फोटोन आउट होगा तो मैं पिछले क्लास में बताया था कि जो यहाँ पे फोटोन का एनर्जी होना चाहिए उतना रहेगा या उससे थोड़ा कम रहेगा। क्या इस फोटोन का एनर्जी, एवरीवन मेडिकल के बच्चे खास करके, क्या E5-E1 के बराबर रहेगा या एनर्जी ऑफ फोटोन स्लाइटली लेस देन E5-E1 रहेगा? जो क्लास नहीं किए थे वो बातों को समझिए, स्लाइटली लेस देन E5-E1 रहेगा। वजह, जो हम लोग E5-E1 बोलते थे उस केस में हाइड्रोजन रेस में मानते थे, बट यहाँ पे अगर इसके ए फोटोन दिया जाएगा और अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मानते हैं तो हाइड्रोजन एटम भी अपना इस तरफ जाएगा, तो इसका यहाँ से थोड़ा एनर्जी हाइड्रोजन के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। दैट्स वाई जो एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर हाइड्रोजन एटम का को के मोशन, हाइड्रोजन एटम के मोशन को भी अगर आप कंसिडर करते हैं, तो जो फोटोन आउट होगा उसका एनर्जी लेवल जब हाइड्रोजन रेस्ट में रहता उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन थोड़ा कम रहेगा, यही हम लोग सोचे थे ना। तो लैम्डा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, फ्रिक्वेंसी कम तो लैम्डा ज़्यादा। तो उसको बनाने का तरीका ये था कि यहाँ पे क्या रहेगा, H/लैम्डा इसका मोमेंटम और माइनस इसका स्पीड भी, करेक्ट, ये क्या रहेगा बोलिए भाई, ये फाइनल मोमेंटम भी था अलजेब्रिक में सब कुछ सोच लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ मान लेता हूँ, राइट, तो इसका क्या रहेगा H/लैम्डा और इसका क्या रहेगा -mv, और एक फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही था ना, PxI=what, आज कुछ नहीं, इतना तो पता चल गया कि सीबीएस नीट में भी आ सकता है, लेकिन उसका हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाला से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर आया है, वेरी गुड, बट आप तो क्लास किए ही था, आप लोग के लिए टफ नहीं था, मेडिकल वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, बाकी तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए है ना, एक्यूरेट भी किए थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व किए थे, अप्रोक्सीमेट भी, तो यहाँ से हो जाएगा 0=, अब देखिए ऑनलाइन के बच्चे बोलते ही नहीं हैं कुछ, अभी सुनाई पड़ रहा है एवरीवन, H/ν/c लिख सकते हैं =mv, लैम्डा के लिए, लैम्डा के बाद क्या पुट किया, νc, बट ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा
और जो फ्रीक्वेंसी 5 से 1 के बीच में आने से होता उससे छोटा फ्रीक्वेंसी रहेगा, हाँ या ना, एनर्जी कम हो गया ना भाई, फोटोन का थोड़ा एनर्जी क्यों लेके चला गया है, एटम लेके गया है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हाइड्रोजन एटम रेस्ट में रहता तो जो फोटोन निकलता ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ 5 से 1, और अगर हाइड्रोजन एटम का रिकॉल स्पीड गेन करेगा तो जो फोटोन निकलेगा, दोनों में किसका कौन सा फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, तो जब हाइड्रोजन एटम रेस्ट में रहता तो उसका फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक, बट रियलिटी में तो सर क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कम मानेंगे नहीं कम मानेंगे, ये कन्फ्यूजन ना कि दरअसल कन्फ्यूजन कम मानेंगे सर, तो जब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है सिर्फ पूछा कि एनर्जी ऑफ फोटोन तो रेट में रेस्ट मानिए, बट इस क्वेश्चन से तो पता चल गया। तो एच नी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बी सी, तो एच नी इक्वल टू एम बी सी, ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे एनर्जी स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा, एनर्जी स्टेट, तो इनिशियल में क्या था, एटम कौन सा स्टेट में, वो हाइड्रोजन एटम, तो सर एटम ही तो है रेस्ट में, रेस्ट में नहीं है भाई वो फिफ्थ रेस्ट में होकर फिफ्थ एनर्जी स्टेट में है, तो ई फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई वन अब प्लस एच न्यू, फोटो निकला एक सिस्टम है ना आपका, यहाँ से ही तो ये दो बना, राइट, अब प्लस और क्या लिखे, हाफ एम बी स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने आप बोला था कि स्टूडेंट फॉर अप्रोक्सीमेशन आप एक काम कर लीजिएगा कि इस टर्म को इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मास ऑफ एट हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में या फोटोन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसका काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, इसलिए इस टर्म को अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने क्या बोला था, और जो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं वो एक्यूरेट मेथड में पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, उसको फॉलो कर सकते हैं, पर दोनों से मोटा मोटी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से अगर इसको इग्नोर कर देते हैं तो ई फाइव माइनस ई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, ई फाइव माइनस ई वन इक्वल टू व्हाट, एच न्यू। और इसके लिए क्या लिखिएगा, आर सी एच वन माइनस वन बाई 25 लिख सकते हैं, 13/6 के बदले मैंने आर सी एच लिख दिया क्योंकि आर के टर्म में आंसर है, राइट, इक्वल टू व्हाट, एम बी सी। यहां देखिएगा यहां पे एम क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी क्या था उसका रिकॉल स्पीड, राइट, तो हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, तो यहां पे 24 RH/25 इक्वल टू व्हाट, एम भी, देन भी इक्वल टू 24 RH/25 m। ये होगा ना सर, तो ये तो अब जे मेन भी आ सकता है, और उस दिन क्लास कर लिए तो फायदा ही रहा, अरे कॉन्फिडेंस भी आ गया, अच्छा आ सकता है, इसलिए आप लोग को अप्रोक्सीमेशन और अभी ट्रिक जानना पड़ेगा, यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भाई आया हुआ है AIPMT नाम से, अब होता क्या है ना, मैं देखिए बड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ आजकल मेडिकल में, अब अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर वो तो नीट का बायोलॉजी नहीं है, वो तो AIPMT था उस टाइम, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, क्या है बोलते, थोड़ा टफ है अभी तो ऐसा आता नहीं है, टफ नहीं भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, टफ था या बढ़िया था, तो बढ़िया है ना, कोई बढ़िया क्वेश्चन मान लीजिए, नहीं समझे, इसलिए बच्चे क्या होता है ना, जहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर आता है ना तो उसको छोड़ना स्टार्ट करते हैं, इतना तो नहीं आएगा मुझे नहीं लगता, मतलब वो खुद ही जज बन जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि AIPMT के नाम से हो, नीट के नाम से हो, या CBSE के नाम से हो, मेडिकल का तीन नाम था जो अभी होता है ना, नीट उसका सबसे पहले नाम क्या था, CBSE, उसका नाम क्या हुआ, AIPMT, फिर नाम क्या है, तीनों नाम से जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा बना लीजिएगा, बिना ये सोचे हुए कि हाँ बायो, ए बायो वाला, ए बायो आएगा या नहीं आएगा, मैं बायो का ही बात कर रहा हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट में तो आप लोग को बोलने का मौका ही नहीं देता हूँ, वो मैं खुद ही जस्ट बन जाता हूँ कि हाँ यहाँ से बनना आना चाहिए, इतना जाना चाहिए, बट वहाँ पे थोड़ा सा होते रहता है आर्गुमेंट, तो वहाँ तक बना लीजिए, नहीं कभी समझ आता रट भी लीजिए, जब पास कर जाएगा तो समझ लीजिएगा।
जैसे पायोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था आईआईटी में, तो क्या बोलेंगे एनर्जी वेस्ट हो गया मेरा भाई। अब ये थोड़े आप जान रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, पर्थ के तो सब जाना पड़ेगा। यही एक क्वेश्चन बढ़िया लग रहा था स्टूडेंट, बाकी तो क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए, एक मिनट रुकिएगा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ लास्ट स्टेप में मैंने हाफ एम बी ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया था, हाफ एम बी ए स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ किसी इंटरेस्टिंग एग्जाम में, इफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताइए। इसमें 15 सेकंड रहेगा टाइम आप लोग के पास, बोर मॉडल में पूछा हुआ है। इफ पोटेंशियल ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज दिस वन देन काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड क्या रहता था इसका डबल और साइन तो पॉजिटिव रहेगा, ये आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा, एक क्वेश्चन बैंक तो खोज लेंगे ना, बोर मॉडल में जितना भी क्वेश्चन आता है अब आपसे बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए बोर मॉडल में? बाकी स्टूडेंट जेई मेन के स्टूडेंट आप को मैं खुद ही जब टास्क दूंगा तो बता दूंगा कहाँ से बनाना है। ये मेरे तरफ से ख़त्म हो गया थ्योरी पार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास या आज का क्लास? नेक्स्ट क्लास करते हैं न्यू टॉपिक, ठीक है। Thank you everyone. और अभी कोई क्लास नहीं है तो जाके सिर्फ सेटिंग लगाइए।